साइकोलॉजी के अनुसार कदर किया करो उनकी जो तुम्हारे बुरे व्यवहार के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जीवन को बिना किसी सीमा के जियो, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका समय कब आएगा, तो जियो, हंसो और सबसे जरूरी खुश रहो। साइकोलॉजी के अनुसार ज़्यादातर लोग उस व्यक्ति को तेजी से रिप्लाई देते हैं जिनको वह ज़्यादा पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार 80% लोग अपनी फीलिंग को अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दूसरों के लिए उनके दर्द को समझना मुश्किल है। अगर आपको कोई अपने अंदर की फीलिंग कहता है तो आप उस व्यक्ति के लिए खास हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब इंसान अकेला होता है, बल्कि तब आती है जब कोई उसकी केयर नहीं करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों को बहुत तेजी से गुस्सा आता है वे उस समय गहरे तनाव में होते हैं और उन्हें तुरंत प्यार और अपनापन की जरूरत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार कपल साथ में कॉमेडी फिल्म देखते हैं या साथ बैठकर ज़्यादा हंसते हैं, उन लोगों की रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत और संतोषजनक होती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी इंसान को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह और भी बिगड़ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार पुरानी यादों का बुरा एक्सपीरियंस इंसान को दूसरे पर शक करने के लिए मजबूर करता रहता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग आसानी से शर्मा जाते हैं वे आमतौर पर अन्य लोगों की तुलना में अधिक उदार और विश्वसनीय होते हैं।